श्री सीतापतये नमः। श्री वाल्मीकि महामुनि कृत सतकोटि श्री रामचरित अंतर्गतम आनंद रामायणम मनोहर कांडम प्रथम सर्ग लघु रामायण। श्री विष्णुदास जी ने कहा, हे गुरु, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि वेद वाक्यों का सारांश लेकर संक्षेप में देवर्षि नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि जी से कौन सी रामायण कही थी। उसी सार वस्तु को श्लोक रूप में बनाकर श्री वाल्मीकि जी ने आपको सुनाया था, वह हमसे भी कहिए। श्री रामदास जी ने कहा, हे वत्स, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, अब सावधान होकर सुनो। तुमने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर तुम्हारे आगे कह रहा हूँ। जब श्री वाल्मीकि जी ने देवर्षि नारद जी के मुख से वेद वाक्यों से संकलित श्री रामचरित्र सुन लिया, तब उसी अर्थ को लेकर उन्होंने 100 श्लोकों में पाप नाशक लघु रामायण की रचना की। और अपने श्री रामायण के आदि में उन्होंने उसी लघु रामायण को स्थान दिया। वही 100 श्लोकों वाला लघु रामायण आज मैं तुम्हारे आगे कह रहा हूँ। कविता रूपिणी शाखा पर बैठकर मीठे मीठे अक्षरों में श्री राम नाम का गान करने वाले वाल्मीकि रूपी कोकिल की मैं वंदना करता हूँ। कविता रूपी वन में विहार करने वाले तथा मुनियों में सिंह वाल्मीकि जी की श्री राम कथा रूपिणी गर्जना को सुनकर संसार में कौन ऐसा प्राणी है जो उत्तम गति को न प्राप्त होता हो। कोई नहीं जो निरंतर श्री रामचरित रूपी अमृत सागर का पान करते हुए भी कभी नहीं तृप्त होने आते, ऐसे कलमस रहित श्री वाल्मीकि मुनि को मैं प्रणाम करता हूँ। विशाल समुद्र को जिन्होंने गौ के खुर के डूबने योग्य बनाया, राक्षसों को मक्षर समझा, जो इस श्री रामायण रूपिणी महामाला के रत्न हैं, उन श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। अंजनी के सुपुत्र श्री जानकी जी के शोकनाशक, वानरों के प्रभु अक्षय कुमार के संहारकारी तथा लंका के लिए भयावह ने वीर मारुति की मैं वंदना करता हूँ, जो खेल खेल में समुद्र की जलराशि को लांघकर लंका पहुँचे। वहाँ श्री सीता जी के शोक रूपी अग्नि को लेकर जिन्होंने उसी से सारी लंका को भस्म कर दिया, उन अंजनी नंदन को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जिनमें मन के समान वेग है, वायु के सदृश तुरा है, जिन्होंने इंद्रियां जीत ली हैं, जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे वायु के पुत्र वानर संघ के मुखिया और प्रभु श्री राम के दूत हनुमान को मैं मन से स्मरण करता हूँ। श्री राम राम भद्र रामचंद्र विधाता स्वरूप रघुवंश के नाथ जगन्नाथ और श्री सीतापति श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान संसार के पालक अज और विश्व रूप उन श्री राम ने निर्गुण होकर भी सगुण रूप से सारे संसार को अपने बस में कर लिया है। श्री इति मंगला चरणम विद्वानों में श्रेष्ठ, तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न मुनि श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी से तपस्वी श्री वाल्मीकि जी ने पूछा, इस संसार में इस समय गुणवान पराक्रमशाली धर्मज्ञ कृतज्ञ सत्यवक्ता और अपने व्रत पर दृढ़ कौन है? ऐसा कौन है जो सच्चरित्र युक्त है? कौन सब प्राणियों के हित में लगा हुआ है? और कौन ऐसा है जो विद्वान समर्थ तथा देखने में सुंदर है? कौन सा ऐसा पुरुष है जो आत्मज्ञानी क्रोध को वश में किए हुए तथा तेजस्वी है और दूसरे से ईर्ष्या नहीं करता? संग्राम भूमि में जिसके कुपित होने पर देवता भी भयभीत हो जाएं, ऐसा कौन है? यह मैं सुनना चाहता हूँ। उसे जानने के लिए मुझे बड़ा कौतूहल है। हे महर्षि, आप उक्त प्रकार के पुरुषों को जान सकते हैं। त्रिलोक के ज्ञाता देवर्षि नारद जी वाल्मीकि जी की बात सुनकर बोले, अच्छा सुनो। इस तरह संबोधन करके महर्षि नारद जी कहने लगे, हे मुने, आपने जिन गुणों का वर्णन किया है वे बहुत ही दुर्लभ हैं, फिर भी मैं अच्छी तरह विचार करके उन गुणों से युक्त मनुष्यों को बतलाता हूँ। जिसके विषय में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, उन्हें लोग राम कहते हैं। वे आत्मज्ञानी महाबल, तेजस्वी, धर्मशील और जितेंद्रिय हैं।
वे बुद्धिमान नीतिज्ञ वक्ता श्रीमान शत्रुओं के विनाशक हैं। उनका खूब लंबा चौड़ा कंधा है, लंबी लंबी भुजाएं हैं, शंख की तरह उनकी ग्रीवा है और विशाल पुट्ठे हैं। उनकी विशाल छाती है, वे हाथों में विशाल धनुष धारण किए रहते हैं। उनकी पसलियां छिपी रहती हैं, वे शत्रुओं का दमन करने की प्रबल शक्ति रखते हैं। घुटनों तक पहुंचने वाले उनके हाथ हैं, सुंदर माथा है, बढ़िया ललाट है, सराहनीय पराक्रम है, बराबर और सुडोल उनके अंग हैं, मनोहारिणी छवि है और उनकी प्रताप भी साधारण नहीं है। उनकी सुदृढ़ छाती, बड़ी बड़ी आँखें हे लक्ष्मी संपन्न हैं और उनमें सभी शुभ लक्षण विद्यमान हैं। हे धर्मज्ञ और सत्यसंध अपनी प्रतिज्ञा को निभाने वाले, वे सदा प्रजा के हित में रत रहते हैं। वे यशस्वी ज्ञान संपन्न पवित्र वशी और समाधिमान हैं। वे राम प्रजापति के समान श्रीमान जगत के पालक एवं शत्रुओं के विनाशक हैं। मैं समस्त संसार की तथा धर्म की सर्वथा रक्षा करते हैं। वे धर्म के रक्षक हैं और निज जनों की रक्षा करते हैं। वे वेद वेदांग के सारे तत्वों को जानते हैं और धनुर्वेद में एक असाधारण प्रतिभा रखते हैं। वे संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ तथा तत्व को जानने वाले समृद्धिमान प्रभावशाली सबको प्रिय साधु अधीनात्मा और पंडित हैं। जैसे समुद्र नदियों से मिलता है, वैसे ही वे सदा सज्जनों से मिलते हैं और उनका दर्शन सबको सुखदायी होता है। वे राम सर्वगुण संपन्न कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले समुद्र के तुल्य गंभीर तथा हिमालय के समान धैर्यशाली हैं। वे वीर एवं बल में विष्णु के सदृश हैं, चंद्रमा के सदृश सबको उनका दर्शन प्रिय है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान हैं, त्याग में उनका दर्शन प्रिय है। कुबेर के सदृश सत्य में दूसरे धर्मराज के समान तथा सब गुणों से युक्त हैं। सब पुत्रों में बड़े प्रजापति के हित में संलग्न एवं प्रजाप्रिय उन सत्य पराक्रम श्री राम को राजा दशरथ ने प्रजा के हित के लिए युवराज बनाने का निश्चय किया। श्री राम के अभिषेक की तैयारी देखकर पूर्व काल में वर प्राप्त श्री दशरथ जी की प्यारी रानी केकई ने उसी समय अपने पति से श्री राम के निर्वासन तथा भरत के राज्य अभिषेक का वर मांगा। तदनुसार सत्य वचन रूपी धर्म के बंधन में बंधे हुए राजा दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र राम को निर्वासित कर दिया। वीर राम माता केकई की भलाई और पिता की प्रतिज्ञा का पालन करने के निमित्त उनकी आज्ञा मानकर वन को चल दिए। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले स्नेह और विनय संपन्न प्रिय भ्राता लक्ष्मण ने भाई को वन जाते देखा तो उन्होंने भी स्नेहवश उनका साथ दिया। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण भली भांति भ्रातृत्व निभाते थे और प्रभु श्री राम की भार्या श्री सीता सदैव श्री राम को प्राणों के समान प्रिय थी। वह जनक के कुल में उत्पन्न देव माया से निर्मित सभी शुभ लक्षणों से युक्त एवं सब नारियों में एक उत्तम नारी थी। जिस तरह रोहिणी चंद्रमा का अनुगमन करती है, श्री सीता जी भी श्री राम का उसी प्रकार अनुगमन किया। उसी समय पुरवासी तथा पिता दशरथ भी थोड़ी दूर तक श्री राम के साथ गए। गंगा के किनारे श्रृंगवीरपुर में पहुंचकर श्री राम ने सारथी सुमंत्र को विदा किया और निषादों के राजा धर्मात्मा एवं प्रिय मित्र निषाद राज से भेंट की। निषाद लक्ष्मण और श्री सीता जी के साथ श्री राम एक वन के बाद दूसरे वन तथा बड़ी बड़ी नदियों को पार करके भरद्वाज जी की आज्ञा से चित्रकूट वन में एक सुंदर आश्रम बनाकर रहने लगे। देवताओं तथा गंधर्वों आदि के समान वे तीनों वहाँ एक सुंदर आश्रम बनाकर वहाँ पर राम के वन जाते ही पुत्र वियोग से शोकातुर राजा दशरथ पुत्र श्री राम के लिए विलाप करते करते अपने प्राण त्याग दिए। उनके देहावसान के अनंतर वशिष्ठ आदि मुख्य मुख्य ब्राह्मणों ने राज्य ग्रहण करने के लिए भरत से बहुत कहा, किंतु और भरत राज्य के प्रति अनिच्छा प्रकट करके श्री राम को मनाने के लिए वन को चल दिए। भरत ने पराक्रमी श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे धर्मज्ञ, आप ही अयोध्या के राजा बने। परमोदार सुमुख और कीर्तिशाली श्री रामचंद्र जी ने पिता की आज्ञा का पालन कर अपना धर्म समझकर राज से अनिच्छा प्रकट की और भरत की
भरत को समझाकर श्री राम के लिए अपनी पादुका दी और लौटने का बार बार अनुरोध किया। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने भरत को लौटाया और अपनी कामना सफल होते न देख भरत भी श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्पर्श करके अयोध्या लौट आए। तदनंतर प्रभु श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए भरत नंदीग्राम में रहकर तपस्या करने लगे। भरत के चले जाने पर सत्यसंद श्रीमान एवं जितेंद्रिय प्रभु श्री राम वहां नित्य नगरवासियों की भीड़ आती देखकर दंडकारण्य को चल पड़े। कमल के सदृश नेत्रों वाले प्रभु श्री राम ने उस महारण्य में जाकर विराद राक्षस को मारा और सर्वभंग ऋषि से मिले। उस वन में सुतीक्ष्ण अगस्त तथा अगस्त जी के भाई इत्यादि से मिले। वहां ही अगस्त जी के दिए हुए इंद्रधनुष तलवार तरकस तथा बाण ग्रहण किए और वनचरों के साथ निवास करने लगे। एक दिन वहां के सप्त ऋषि राक्षसों के वध का अनुरोध करने के लिए श्री राम के पास आए। तदनंतर श्री राम ने दंडकारण्य निवासी उन अग्नि के समान तेजस्वी ऋषियों के समक्ष पृथ्वी के सारे राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा की। वहां ही श्री राम ने जन स्थान निवासिनी तथा काम रूपिणी राक्षसी शूर्पणखा की नाक कान काटकर क्रूर किया। तदनंतर प्रभु श्री राम ने शूर्पणखा द्वारा भेजे हुए सेना सहित त्रिसरा तथा दूषण आदि राक्षसों को मारा और जन स्थान निवासी 14,000 राक्षसों को काल के गाल में पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी जाति का संहार होते सुनकर रावण क्रोध से मूर्छित हो गया और अपनों को सहायता के लिए मारीच नाम के राक्षस को बुलाया। मारीच ने अनेक प्रकार के समझाते हुए कहा, हे रावण, बलवान के साथ विरोध करना ठीक नहीं है, किंतु काल प्रेरित रावण ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और उसके साथ राम के आश्रम पर पहुंचा। वहां वह मायावी मारीच मृग बनकर राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण को दूर भगा ले गया। इसी बीच में रावण जटायु नाम के गिद्ध को मारकर श्री राम की पत्नी श्री सीता को हर ले गया। गिद्ध को मरा हुआ देख एवं सीता जी का हरण सुनकर प्रभु श्री राम शोक से संतप्त होकर विलाप करने लगे और उसी शोकावस्था में जटायु को अपने हाथों से जलाकर परम पद पहुंचाया। वन में श्री सीता जी को ढूंढते ढूंढते प्रभु श्री राम ने एक महाभयंकर तथा विचित्र रूप वाले कवंद नामक राक्षस को देखा। महाबाहु श्री राम ने उसे मारकर जला दिया। जब वह स्वर्ग को जाने लगा तो उसी ने धर्मचारिणी सबरी का पता बताया और कहा, हे राघव, वह धर्म निपुणा श्रवणा नाम की सबरी है, आप उसके पास जाइए। तदनुसार महातेजस्वी एवं शत्रु विनाशकारी श्री रामचंद्र जी सबरी के पास गए। सबरी ने श्री राम का बड़ा आदर किया। वहां से पंपा सर पर जाकर श्री हनुमान जी से मिले। श्री हनुमान जी के कहने पर श्री राम सुग्रीव से मिले और महाबली श्री रामचंद्र जी ने उसे अपना सारा हाल कह सुनाया। श्री राम ने भी सुग्रीव से अपना सब वृतांत कहा और सीता हरण का हाल विशेष रूप से वर्णन किया। सो सुनकर सुग्रीव ने प्रसन्न चित्त से अग्नि को साक्षी देकर श्री राम से मित्रता की और वानरराज सुग्रीव ने भी बाली के साथ अपने बैर का हाल बतलाया। दुखित सुग्रीव ने बड़ी नम्रता तथा प्रेम पूर्वक श्री राम से अपना सब हाल कहा। यह सुनकर प्रभु श्री राम ने बाली को मारने का प्रण किया। तब सुग्रीव ने बाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि उसे संदेह था कि वे बाली को मार सकेंगे या नहीं। तत्पश्चात सुग्रीव ने श्री राम की परीक्षा लेने के लिए महापर्वत पर समान लंबा चौड़ा दुंदुभी राक्षस का कंकाल दिखाया। महाबाहु श्री राम ने मुस्कुराकर उसे देखा और उस राक्षस की ठटरी को पैर के अंगूठे से उठाकर 10 योजन दूर फेंक दिया। फिर 7 ताल के वृक्षों को एक ही बाण से काट दिया तथा पर्वत और सातल को भेद कर सुग्रीव के हृदय में यह दृढ़ विश्वास उत्पन्न कर दिया कि वह बाली को मार सकते हैं। श्री राम के पराक्रम को देखा तो विश्वास करके सुग्रीव बड़ी प्रसन्नतापूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ किष्किंधा नाम के पर्वत की गुफा के द्वार पर पहुंचा। वहां पहुंचकर सुवर्ण के समान पीतवर्ण बनर बानर श्रेष्ठ सुग्रीव ने घोर गर्जना की। उस भयंकर गर्जन को सुनते ही
बंदरों का राजा बाली किष्किंधा के बाहर निकल आया। उस समय तारा की बात न मानते हुए और उस अनादर करके बाली सुग्रीव के साथ युद्ध करने के लिए आया और एक ही बाण से उसे प्रभु श्री राम ने यमपुर पहुंचा दिया। सुग्रीव से की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार वचनबद्ध होने के कारण प्रभु श्री राम ने बाली की मृत्यु के पश्चात किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दे दिया। इसके अनंतर कपिराज सुग्रीव ने सीता का पता लगाने के लिए दसों दिशाओं में बहुत से बंदरों को भेजा। संपाति गिद्ध द्वारा श्री सीता जी का पता पाकर महाबली हनुमान ने 100 योजन विस्तृत क्षीर समुद्र को लांघकर पार किया। रावण से सुरक्षित लंका में जाकर श्री हनुमान जी ने अशोक वन में बैठी तथा श्री राम का ध्यान करती हुई श्री सीता जी को देखा। तब हनुमान जी ने श्री सीता जी से श्री राम का सारा समाचार एवं संदेश कहा। श्री सीता जी को आश्वासन देकर रण में 5 सेनापतियों 7 मंत्री पुत्रों और परमवीर अक्षय कुमार को मारकर स्वयं ब्रह्मपास में बंध गए। इसके बाद ब्रह्मा के वरदान से उस ब्रह्मपास से अपने को मुक्त देखकर श्री हनुमान जी ने रावण के मंत्रियों तथा बड़े बड़े राक्षसों को मारा। तदनंतर श्री सीता जी के निवास स्थान को छोड़ सारी लंका जलाकर प्रभु श्री राम को श्री सीता जी का वृतांत सुनाने के लिए लौट आए। बलि हनुमान ने महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास जाकर उनकी प्रदक्षिणा की और लंका का सारा वृतांत सुना दिया। तदनंतर श्री राम सुग्रीव के साथ समुद्र तट पर गए और सूर्य के समान अपनी तेजस्वी बाणों से समुद्र को छुबित किया। तब नदियों का पति समुद्र हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम के समक्ष आया और उसकी सलाह से श्री राम ने नल द्वारा सेतु तैयार करवाया। उस सेतु से लंका में पहुंचकर प्रभु श्री राम ने रावण को मारा। फिर सीता जी को पाकर अत्यंत लज्जित हुए। उस समय राम ने भरी सभा में श्री सीता जी को कुछ कट वचन कहे, जिसे सहने में असमर्थ होकर परम सती सीता अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तदनंतर अग्नि के कथन अनुसार प्रभु श्री राम ने श्री सीता जी को निष्पाप समझा। श्री राम के इस कर्म से सचराचर त्रिलोकी देवता तथा ऋषि सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न हृदय प्रभु श्री राम देवताओं से पूजित होकर बड़े शोभित हुए। तदनंतर लंका में राक्षस श्रेष्ठ विभीषण को राज तिलक देकर प्रभु श्री राम संतापते मुक्त कृत्य कृत्य एवं आनंदित हुए। वहां देवताओं से वर पाकर बानरों तथा प्रियजनों के साथ श्री हनुमान जी को भरत के पास भेजा और अयोध्या लौट पड़े। फिर भरद्वाज जी के प्रयाग आश्रम में पहुंचकर प्रभु भरद्वाज जी के दर्शन किए। फिर वार्तालाप करते हुए सुग्रीव के साथ पुष्पक विमान पर बैठे श्री राम नंदीग्राम को चल दिए। वहां पहुंचे तो भाइयों के साथ जटा त्याग कर निष्पाप श्री राम ने श्री सीता जी को पाकर पुनः राज्य प्राप्त किया। श्री राम के राज्य में लोग हृष्ट पुष्ट संतुष्ट सुखी धार्मिक निरोग तथा दुर्विध आक्ष भय से रहित रहते थे। उस समय पिता के सामने किसी के पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी। उस राज्य की स्त्रियां सौभाग्यवती एवं पतिव्रता होती थीं। उस समय अग्नि का भय, जल में डूबने का भय, वायु संबंधी भय, ज्वरा आदि भय, पेट की चिंता तथा चोर आदि का भय नहीं रहता था। सारे नगर और सारे राष्ट्र धन धान्य पूर्ण थे। उस राज्य में सतयुग की भांति सब लोग सदैव सुखी रहते थे। 100 अश्वमेध यज्ञ करके सुवर्ण युक्त अनेक कोटि गौएं विधि पूर्वक विद्वान ब्राह्मणों को देकर प्रभु श्री राम हजारों राजाओं के वंश की स्थापना करके चारों वर्णों को अपने अपने धर्म पर नियुक्त करेंगे। 11,000 वर्ष तक राज्य करके प्रभु श्री राम अपने ब्रह्मलोक को चले जाएंगे। पवित्र पापनाशक पुण्यकारी तथा वेद सम्मत श्री रामचरित को जो प्राणी पढ़ेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। यह रामायण की कथा आयु वर्धनी है। इसको पढ़ने से मनुष्य पुत्र पौत्रों से शोभित होकर मरने के बाद स्वर्ग लोक में पूजित होता है। इस लघु रामायण को पढ़ने से ब्राह्मण विद्वान होता है, क्षत्रिय भूमि का स्वामी होता है, वैश्य व्यापार में सफल होता है और शूद्र महत्व पाता है। इस प्रकार हे शिष्य, बुद्धिमान देवर्षि नारद जी ने वेद वाक्यों के आधार पर वाल्मीकि जी से जितना रामचरित्र कहा था उतना ही अर्थ लेकर वाल्मीकि जी ने पहले
100 श्लोकों से श्लोकबद्ध करके अपनी कविता में इस लघु रामायण की रचना की है। सो मैंने तुम्हारे आगे कहा, इसे सुनने से पुण्य की वृद्धि होती है। मुनिराज श्री वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान के प्रभाव से सब कुछ जानकर 100 करोड़ श्लोकों में श्री रामचरित का वर्णन किया। श्री सतकोट रामचरित अंतर्गते श्री आनंद रामायणे मनोहर कांडे प्रथम सर्गः संपूर्णः। जय श्री राम।